स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकेरे सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज CT125X के बारे में। जी हां दोस्तों, CT125X इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले आपको अपडेट दिया था कि भाई बजाज CT110 यानी इसका एक बड़ा वेरिएंट, इसका एक बड़ा भाई आप समझ लीजिए, 125 सीसी में हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो रही है। तो दोस्तों फाइनली बजाज ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द हमारे यहाँ एक दो दिन में बाइक अवेलेबल हो जाएगी। जिस भी भाई को चाहिए वो आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस मैं आपको बता दूँ, माँ कल्याणी ऑटोमोबाइल सरामगढ़ दुमका झारखंड। जी हाँ दोस्तों, बजाज CT125X में आपको क्या फीचर्स मिल जाता है, क्या माइलेज आपको देखने को मिलेगा, क्या इंजन आपको देखने को मिलेगा, बाइक में क्या कुछ कंपनी ने फीचर्स दिया है, क्या प्राइस है, ठीक है, प्राइस बहुत अहम सवाल है। और दोस्तों प्राइस बहुत ही कम है, क्या बताऊँ मेरे भाई, प्राइस 125 सीसी के हिसाब से बहुत ही कम है और बहुत अच्छा प्राइस रखा है बजाज वालों ने। दिल खुश कर दिया यार, इतना अच्छा प्राइस रखा है। 125 सीसी में जितनी भी बाइक है सब बाइक से इसका प्राइस कम है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस 94,000 है। जी हाँ दोस्तों, 94,000 सिर्फ और सिर्फ इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। मैं एक शोरूम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ऑन रोड शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। एक शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो इसका 76,000 के अप्रोक्स में एक शोरूम प्राइस है, लेकिन मेरे भाई इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसका 94,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस है। मैंने प्राइस वगैरह, फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने पता कर लिया है। बाइक एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं चाह कि मैं आपको जितना जल्दी हो सके मैं आपको अपडेट दे दूं। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125 सीसी बाइक के मतलब लेने के लिए आप मन बना रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं, तो भाई आप लोग इस बाइक को भी ट्राई कर सकते हैं और च्वाइस कर सकते हैं, क्योंकि भाई 125 सीसी में CT125X हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। बाकी दोस्तों हर एक स्टेट एंड सिटी में आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% रियल है। आप दो चार दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप बाइकर MJK एक YouTube नाम का चैनल है उसमें आप सर्च करेंगे CT125X तो वहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल मतलब बाइक लॉन्च हुई है, और कल मतलब फैज़ाबाद में मतलब बाइक लॉन्च हुई है, ठीक है, और वो जो यूट्यूबर है उनका घर ही भाई फैज़ाबाद में है, तो उन्होंने वीडियो को कवर किया है और उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब वीडियो CT125X का YouTube पे डाल दिया है। तो हमारे यहाँ दोस्तों थोड़ा सा लेट बाइक आता है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपडेट हम पहले मतलब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब क्या क्या बाइक में आपको फीचर्स मिल जाता है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो डिस्क ब्रेक का फीचर्स आपको देखने को मिलता है बजाज CT125X में। इसमें तो आपको ड्रम ब्रेक का फीचर्स देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये 110 सीसी की बाइक है और वो 125 सीसी की बाइक है, ठीक है। तो फ्रंट में दोस्तों आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर वगैरह आपको फ्रंट में, रियर में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इससे थोड़ा सा मोटा और इससे थोड़ा सा हेवी क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों हेडलाइट वगैरह आपको हेलोजन बल्ब में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक मन में मतलब ये भी सवाल आता है मन में कि भाई प्राइस इतना कम है तो भाई फीचर्स मतलब कोई खास नहीं होगा, खाली इंजन सीसी बढ़ा दिया है। तो भाई इंजन सीसी के साथ साथ आपको क्या क्या फीचर्स बढ़ाए कंपनी ने वो भी आप देख लीजिए, और प्राइस कंपेयर करेंगे हम सभी बाइक से, होंडा SP125 से, TVS राइडर 125 से, बजाज पल्सर 125 से, हीरो ग्लैमर 125 से, यानी 125 सीसी में जितनी भी बाइक है, चाहे वो बजाज कंपनी को, होंडा की हो, हीरो की हो और TVS की हो, सभी बाइक से हम कंपेयर करेंगे कि भाई इसमें फीचर्स वगैरह मतलब ठीक ठाक है या फिर केवल इसका इंजन सीसी बजाज कंपनी ने बढ़ाया है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। और अभी आप मतलब अभी के टाइम में आप लोग अगर बाइक वगैरह लेने के प्लान में हैं तो भाई वीडियो आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। CT125X के बारे में आप लोग पूरा जानेंगे। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का फीचर्स देखने को मिल जाता है, टायर वगैरह आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है, हाँ मीटर वगैरह सेम देखने को मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको एनालॉग देखने को मिलता है, LED DR लाइट देखने को मिल जाता है, हेलोजन बल्ब में आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिल जाता है, और 11 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। हालांकि CT110X में ज़्यादा देखने को मिलता है भाई 12 लीटर का, लेकिन उसमें भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है 125 सीसी में, जिसमें कि दोस्तों 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों इंजन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंजन क्या देखने को मिलेगा और क्या मतलब इंजन देखने को मतलब मिलता है CT125X में। तो भाई 125 सीसी का यहाँ पे आपको एयर कूल इंजन देखने को मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC DTSI बजाज का आपको यहाँ पे E20 वाला Phase 2 इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की पावर की अगर बात की जाए तो भाई 125 सीसी के हिसाब से 10.9 PS का पावर देखने को मिलता है 8000 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ पे 11 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 5000
5500 RPM पर। तो भाई कहीं ना कहीं इंजन पावर और इंजन टॉर्क काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाता है सिटी 125X में। कलर ग्राफिक्स वगैरह आपको इससे थोड़ा सा हट के मतलब देखने को मिलेगा, सेम मतलब ऐसे ही है लेकिन भाई थोड़ा सा यूनिक आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी डबल सारी गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, रियर का लुक और डिज़ाइन बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, और जो ग्रेब हैंडल है जो कि काफ़ी मजबूत है जो कि आप देख सकते हैं। इंडिकेटर वगैरह दोस्तों आपको सेम यहाँ पे देखने इंडिकेटर वगैरह आपको सेम देखने को मिल जाता है। बाकी हैंडल बार में दोस्तों आपको यहाँ पे फुल मतलब फीचर्स देखने को मिल जाता है। हैंडल बार में आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, कीक स्टार्ट और इंजन किल स्विच, इधर लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग का स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इंजन का आप देख सकते हैं कलर ऑप्शन काफ़ी यानी सेम कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बट इसमें आपको डिस्क ब्रेक का फीचर्स देखने को मिलता है। हैंडल में जैसे कि ये बजाज पल्सर 125 में है, हैंडल में यानी एक्स्ट्रा एक पार्ट मिलता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, वो भी मतलब इसमें दिया हुआ है। बाकी यही मतलब अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है सिटी 125X में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छा इसमें फीचर्स वगैरह दिया हुआ है। माइलेज के बारे में बात कर लें तो भाई बजाज पल्सर 125 में माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई 70 प्लस का माइलेज है, जी हाँ दोस्तों। बाकी दोस्तों बजाज पल्सर की अगर मतलब प्राइस की बात की जाए तब आपको समझ में आएगा सभी बाइक यानी 125 सीसी में जितनी भी बाइक है सब बाइक का मैं आपको प्राइस बताता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे बजाज पल्सर 125 के बारे में। बजाज पल्सर 125 का जो प्राइस है दोस्तों वो 1,10,000 अप्रोक्स है, इसी के आसपास में, ठीक है। कोई भी वेरिएंट लेते हैं, सिंगल सीट वेरिएंट लेते हैं, डबल सीट वेरिएंट लेते हैं, तो भाई बजाज पल्सर 125 का जो प्राइस है कितना है, 1,10,000 के आसपास में है। तो भाई उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों 16,000 रुपया उससे बचत है। इसका प्राइस 94,000 है 125 सीसी। ये 110 सीसी आप मत देखिए, ये वीडियो फुटेज में हमने यूज किया है 110 सीसी, लेकिन मेरे भाई इसका 125 सीसी वाला वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 2 से 4 दिन में आप लोग वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप लोग को कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें जिन्होंने लॉन्च कर दिया है मतलब अपना वीडियो मतलब यूट्यूब पर डाल चुका है मेरे भाई, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आप लोग वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बाइकर एसआरजे को आप लोग फॉलो करते हैं और वीडियो हम मेरा देखना पसंद करते हैं, और जो मेरा वॉइस ओवर है, मेरा जो मतलब बोलने का तरीका है, आप लोग को मतलब पसंद करते हैं तभी तो यहां तक वीडियो को देखे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि और भी 125 सीसी में जितनी भी बाइक है सबका प्राइस कंपेयर करते हैं। तो भाई बजाज पल्सर का कितना प्राइस है, 1,10,000 अप्रोक्स है। TVS का जो प्राइस है दोस्तों, TVS राइडर उसका तो बहुत हाई लेवल का है, 1,17,000 है। तो भाई उससे भी अगर देखा जाए तो उससे कंपेयर करें तो भाई बहुत कम प्राइस है। NS125 बजाज की एक बाइक छूट रही थी 125 सीसी की, हालांकि वो भी बाइक है, उसमें भी आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो भाई उसका प्राइस है 1,31,000, सबसे हाई लेवल प्राइस तो उसी का है, 1,31,000 125 सीसी में, ठीक है। होंडा SP फिर भी ठीक ठाक है, होंडा SP का प्राइस है भाई 1,12,000 के आसपास में, और हीरो ग्लैमर का भाई प्राइस है 1,08,000 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सिटी 125X है इसका प्राइस देखा जाए मेरे भाई तो काफ़ी चीप प्राइस है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग अपना चॉइस है, हालांकि होंडा SP125 हो गया है, हीरो ग्लैमर हो गया है, TVS राइडर हो गया है, बजाज पल्सर 125 हो गया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी बाइक ख़राब नहीं है, लेकिन प्राइस के मामले में भाई बजाज सिटी 125X चीप प्राइस में है। तो ये था दोस्तों आज का एक अपडेट वीडियो, बाइक जल्द आ जाएगा, ठीक है। 125 सीसी सिटी 110X का अगर आप लोग कहोगे फाइनेंस डिटेल्स वीडियो डालो तो वो भी वीडियो हम आपके सामने ज़रूर डालेंगे। तो सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।